स्किन को डोंट, पर मैं तो काला हूँ यार। जहर तबाही मचा के रखता है वो। मैं ही सबसे स्मार्ट बंदा हूँ। बहुत वीडियो बना रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं इसको, आज मैं ये काटूंगा नहीं, मैं डालूंगा वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज राजवीर। आज के इस वीडियो में आपको पांच रूल्स, ऐसे पांच टिप दूंगा फैशन के, जिन्हें आप फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट बनने वाले हो। आपको मैं इस लेवल से इस लेवल तक ले जाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि मैंने गलत बताया है या आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कुछ भी सजेशन मुझे दे देना कि हाँ मैंने इस वजह से वीडियो को डिसलाइक किया। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन, हमारी स्किन का टोन। अब कुछ लोग ये सोचेंगे स्किन का टोन, पर मैं तो काला हूँ यार, मैं तो सांवला हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं देखती, भगवान तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम्हारे माइंड में ये सेट हो चुका है कि तुम काले हो, सांवले हो, इस वजह से तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी खो चुके हो। इस वजह से तुम अट्रैक्टिव नहीं दिख पा रहे हो, इसी वजह से तुम अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अपनी स्किन, अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पा रहे हो। आपके माइंड में सेट हो गया तो सामना यार, तुम पता मुझे लड़कियाँ देखती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारा भाई भी सामना है। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि क्लियर स्किन होना चाहिए, आपकी बेसिक हाइजीन मेंटेन करके आपको चलना है, डेली शावर लेना है। शावर नहीं है तो मग्गे जग से ना हो ना, क्या दिक्कत है। बस आपको क्लियर स्किन रखनी है, आपकी स्किन पे एक्ने जैसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट हैं, वो क्यों है मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। मेरे लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से एक्ने वगैरह निकल रहे थे और धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक्ने निकल रहे थे, एक्ने खत्म हो गया, बचे डार्क स्पॉट में भी ठीक कर लूँगा। अगर आप चाहते हो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, अगर आपके भी एक नए प्रॉब्लम है तो आपको मैं इस वीडियो में इतना गाइड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बिकॉज हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है। अगर हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी तो एक्ने की प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी यार। और जंक फूड वाली चीज़ें कम कर दो धीरे धीरे खाना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फैशन स्मार्ट बनना है ना तो ड्रेसिंग सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलर मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोरे हो, काले हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितने गोरे हो, कुछ आप हीरे जैसी आपकी शक्ल हो, अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो आप बेकार दिखोगे, बिल्कुल ख़राब दिखोगे। ज़्यादा लंबी हो जाएगी, डिटेल्स में बात करूँगा ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो सिर्फ मैं इस वीडियो में इतना गाइड करूँगा कि कलर मैचिंग सिर्फ आपको इतना ही करना है। अगर आप गोरे बंदे हो, आपके ऊपर ऑलरेडी सब कलर अच्छे लगेंगे, आप भी ये बात जानते हो। उसी साइड अगर एक काला बंदा, सांवला बंदा, तो भाई तुमको करना इतना है, डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं तुमको खरीदने हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनने, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारी स्किन का कलर डार्क है। अगर तुम डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो आपकी स्किन का कलर और ज़्यादा डल दिखेगा। तो इस वजह से आप लाइट कलर के कपड़े पहने। और ये जो सांवला काला आंवला, यार ये अंतर ख़त्म कर दो यार। खुद में कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ ठीक है, जैसा हूँ मैं हूँ, ऊपर वाले ने मना है, ठीक है, बस मुझे क्या करना है, अपनी बेसिक हाइजीन मेंटेन करके चला, अपने ऊपर वर्क करो। मेरा साफ कहना इतना, अपने ऊपर वर्क करो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी ना तो दुनिया देखेगी। रूल नंबर टू, कम्युनिकेशन स्किल। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई, अब तुम टॉपिक पर आए हो, यही तो मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी जाए। मैं सिंपल बेसिक समझाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता क्या है, बिकॉज आज भी काफी को नहीं मालूम कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता क्या है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश में ही बात करना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती, ये सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है आप हिंदी में भी बात करो, लोगों को आसानी से आपकी बातें समझ में आए। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ कि हाँ, लोग कहें कि हाँ यार ये बंदा समझाए बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने 10 वीडियोज़ देखी मुझे नहीं समझ में आया, मुझे मेरे मन में डाउट रहा, तो इसका चैनल मैं सब्सक्राइब करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को आसानी से आपकी बातें समझ में आ जाए। किसी भी बंदा या बंदी से आप बात करो तो वो सोचे कि यार कितने अच्छे से बात करी, और प्लीज़ सॉरी थैंक यू वर्ड का हमेशा इस्तेमाल करो, कहीं पर भी कोई भी बात हो, इन तीन मैजिकल वर्ड का हमेशा इस्तेमाल करो। वर्ड बोल दो सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये चीज़ें जरूर यूज़ करो। अगर आप चाहते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाए या ठीक ठाक रहे तो स्ट्रेंजर लोगों से बात करना चालू कर दो। लड़की हो जरूरी नहीं है, लड़कों से, अंकल अंटी सबसे बात करना चालू कर दो। हेलो हाय, कैसी अंटी, कैसे हो अंकल, आपको ऑकवर्ड फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई,
कुछ दिन, दो चार दिन ये करके देख लो, आज ही वीडियो देख लो, आज ये करके देखना किसी स्ट्रेंजर को जा रहा हो उससे बात करना, देखना कैसे वो रिएक्ट करेगा। वो कॉन्फिडेंस एक दिन रहेगा ना लो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अब डेली डेली जब करने लगोगे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। कभी वेडिंग या रिसेप्शन में जाओगे ना, कोई लड़की लाइन देगी, नहीं यहाँ पर ही मान जाओ तुम लड़कियाँ लाइन क्यों, मतलब कोई भी लड़की तुम्हें अच्छी लग जाएगी तो तुम्हारा उससे शाइनेसपन भी ख़त्म हो जाएगा, तुम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लोगे इससे। रूल नंबर 3, हमारी हेयर स्टाइल। हमको मालूम ही नहीं होता है कि हमारा फेस शेप कैसा है, किस टाइप से हमें हेयर स्टाइल रखने। अब कुछ लोग हैं, ये क्या बोला आपने, फेस शेप भी कई तरीके के होते हैं। तो भाई अगर आपको नहीं मालूम तो नॉर्मल 5 टाइप के फेस शेप होते हैं, ओवल, राउंड, ट्रायंगुलर, हार्ट, डायमंड, सबसे रेयर डायमंड। जिसका डायमंड होता है वो तो फिर कतई जहर तबाही मचा के रखता है वो। अगर आप चाहते हो कि आप अपना फेस शेप कैसे मेजर करो, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, घर पर आप कैसे मेजर कर सकते हो आपका फेस शेप किस टाइप का है। और अगर आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपका फेस शेप छोटा है तो आपको थोड़े से बड़े बाल रखने, अगर आपका फेस शेप बड़ा है तो आपको थोड़े से छोटे बाल रखने। इतना सिंपल सा ये फॉलो करोगे और आप स्मार्ट, कतई सुंदर दिखने लगोगे। रूल नंबर 4, हमारी बियर्ड। गाइज, हमारी बियर्ड हमको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, स्मार्ट दिखाती है अगर केयर वगैरह करते हैं। अगर आपकी फुल ग्रोन बियर्ड आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से बधाई, आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम बनने वाले हो। इन जो पीछे मैंने टिप्स रूल बताए इनको फॉलो करके तो आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाले हो। लेकिन बियर्ड में कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनकी ये पैची बियर्ड का मतलब ये कि उनकी फुल बियर्ड नहीं आती, हल्की हल्की दाढ़ी आती है और वो वही रख के अपने आप को समझते हैं मैं ही सबसे स्मार्ट बंदा हूँ। अगर आप ये आपकी पैची बेड आती तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अभी जाओ क्लीन शेव करो, क्लीन शेव में आप ज़्यादा अच्छे लगोगे, सच बता रहा हूँ, क्लीन शेव में आप बहुत अच्छे लगोगे, बहुत सुंदर, बहुत मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, इसको आज मैं ये काटूंगा नहीं, मैं डालूंगा वीडियो में। रूल नंबर 5, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, आपकी बियर्ड अच्छी, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी, आपकी स्किन क्लियर है, आप घर से मेंटेन होकर निकलते हो, कोई भी पार्टी वगैरह जा रहे हो, वेडिंग जा रहे हो, रिसेप्शन जा रहे हो, किसी स्ट्रेंजर लड़की को आप पसंद आ जाते हो, वो आपसे बात करने जैसे ही आती है और आपके पास से आ रही है बैड स्मेल, बिकॉज आप परफ्यूम नहीं लगाते हो, कोई एक अच्छा परफ्यूम या कोई डीओ नहीं लगा, तुम बताओ भाई यार, तुम सारी मेहनत, सारे रूल, सारे हैक सब बर्बाद हो जाएंगे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा 2 ही फ्लेवर लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता, आपके फ्रेंड जोन में जो भी लड़कियाँ हो उनसे आप पूछ लेना, पहला फ्लावर, दूसरा आईज, जिनमें फ्लावर्स, जिन डीओ परफ्यूम में फ्लावर्स की महक आती है, फूल बहुत सारे होते हैं, बहुत फ्लावर्स होते हैं, और दूसरा आईज, ठंडी जिसमें स्मेल आए, जैसे कड़ाकेदार ठंड वाली, एकदम पहाड़ों वादियों वाली ठंड वाली स्मेल आ रही, वो बहुत पसंद आती है, पता नहीं क्यों आती है बट उनको पसंद आती है। तो आप परफ्यूम अगर आप बाय आप करने की सोच रहे हो तो 2 फ्लेवर के बाय करिए ना, पहला फ्लावर्स और दूसरा आइस फ्लेवर, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। ये नहीं कि आप सब लड़कियों के लिए कर रहे हो, आप पर भी अच्छे लगोगे, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो ना। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।